मान लीजिए इसी वायर में अगर मैं ये बोलती हूँ, सपोज मैं इस डायग्राम को नहीं हटा रही हूँ, बट इसी के बिहाफ पे आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन. What will be magnetic field? इसी केस में मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन लेट मी मान लीजिए दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. ये पहला डेरिवेशन हो गया आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर टू विच आई एम यूजिंग दिस कलर पिंक ऑलमोस्ट. तो अगर ये कोई है, कोई वायर है जो वन साइड पे इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पे यहीं पे एंड हो गया है, कुछ इस तरीके का वायर है. ओके अब आपको अगर यहां से निकालना हो कि इस वायर के लिए यहां पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस टाइप का कोई वायर हो, इफ वायर इज, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, गिवन वायर वन हो गया. अभी मैं ये फॉर्मूला लिख दे रही हूं म्यू अपॉन, अभी जो हमें फॉर्मूला मिला है दैट इज B is equal to mu naught upon 4 pi I upon d integration cos theta d theta, mu naught upon 4 pi I upon d integration cos theta d theta. ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर टू है. दिस क्वेश्चन नंबर टू में मैंने कुछ एडिटिंग की है. वो एडिटिंग है ये, मैंने यहाँ पे इसको एंड बना दिया और यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के वायर कर दिया. अब यहाँ पे हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे वायर का पहले हम स्मॉल सेगमेंट, बाकी कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, तो स्मॉल सेगमेंट लिया डीएल. ओके एज यूजुअल ये जो एंगल था इसको थीटा वन नाम दिया और जहां तक जा रहा है इसको हमने, सेकेंड पॉइंट को हमने थीटा टू नाम दिया है. ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन वायर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन cos theta d theta with the limit theta 1 से लेके theta 2 तक. okay now you see here कि vector b is equal to mu naught upon 4 pi I upon d integration of cos theta is minus of sin theta. तो पहले higher limit रखेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा में पहले लोअर लिमिट रख देंगे, साइन थीटा वन माइनस ऑफ साइन थीटा टू. दिस इज योर आंसर इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप. इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने लिखा था ये रिजल्ट ही हमारा नेगेटिव आ रहा था, ये उस समय जो रिजल्ट आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था. तो अगर उस नेगेटिव को हम यहाँ पे यूज करें तो वो थीटा टू माइनस थीटा वन यहाँ पर क्यों हो जाएगा. ओके तो अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकती हो कि अगर कोई वायर इस टाइप से दे रखा है, इस पॉइंट पे आपको निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा. तो आपकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2. व्हाट इज योर थीटा 1, कीप रिमेंबर पॉइंट p से जिस भी इस पॉइंट का निकाल लो, दिस इज योर थीटा 1 और ये पॉइंट का आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा थीटा 2. ऐसे तो करना है. व्हाट इज योर थीटा 1, जिस पॉइंट का निकालना है इस वायर पे, इस पॉइंट पे थीटा वन इस पॉइंट का और इस पॉइंट पे थीटा टू. तो थीटा वन आपका कुछ हो गया और थीटा टू आपका क्या हो गया, यहां पे 0 degree. इसमें हम केस ले करके चल सकते हैं
सी केस वन. व्हाट इज योर केस वन? इफ थीटा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय टू एंड थीटा टू इज इक्वल टू पाई बाय टू. ठीक है, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक. अगर ये जा रहा हो माइनस पाई बाय टू मतलब पीछे की तरफ और प्लस पाई बाय टू मतलब इधर की तरफ, तो रेंज इसकी कुछ इस तरीके से हो. मीन्स इनफाइनाइट के लिए ये हम तब लेते हैं माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू जब हम ये कहते हैं कि वायर इज ऑफ इनफाइनाइट रेंज. क्योंकि इनफाइनाइट रेंज पे अगर आपको पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है, तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल ही होता है, सॉरी डीएल जो परपेंडिकुलर लाइन है वो और इस एंड पॉइंट का बीच का एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं. लेकिन अगर ये पाई बाई टू हो जाए तो इसका मतलब और दूर करते करते कहाँ आ गया? यहाँ पाई बाई टू. माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू का क्या मतलब है? कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है फ्रॉम बोथ साइड. तो केस वन का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम बोथ साइड. पॉइंट पी कहाँ है? इसके मिड पे. अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वो उसका ये मिड ही आएगा. ओके, तो अब आप ये वैल्यू रखो, आपको कितना मिलेगा? वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई टू और माइनस साइन माइनस पाई बाई टू मीन्स माइनस साइन पाई बाई टू और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मतलब आपका टू टाइम्स आ गया. टू साइन पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? वन. तो ये हो गया आपका टू. तो टू का मतलब ये क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन डी. ठीक है, या फिर आप ये समझो कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी का जस्ट ट्वाइस. ठीक है, दिस इज योर केस वन. व्हाट्स द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये वायर है तो ऑफकोर्स आउटसाइड. डायरेक्शन आपको निकालना है तो आप डीएल क्रॉस आर करके ही निकालोगे, तो जो डायरेक्शन थंब की है वही डायरेक्शन आपकी होगी. ओके, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड लिटिल मोर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. तो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला क्या है? वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा. ओके, तो मैं इसको रब नहीं कर रही हूं, ये हमारे साथ यहीं पे रहेगा. और जो बायो सेवर्ट लॉ है वो क्या कहता है? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर का स्क्वेयर. ठीक है, वो आर क्या है? ये है. ठीक है, डीएल क्रॉस आर, यहाँ पे सारी चीजें वैसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को अभी रब नहीं करूंगी. ओके, सो वी कैन फाइंड वन, वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन हियर. फाइंड वेक्टर बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप. दिस इज द क्वेश्चन थर्ड. फाइंड वेक्टर बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप. ठीक है, स्क्वायर लूप का सेंटर में हमें निकालना है. डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है. ओ यार,
ओके दिस इज अ स्क्वायर और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज ए, वन इज बी, ये सी और ये डी. आपको यहाँ पे सेंटर पे निकालना है. ओके जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, उसका डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन से हमें ये तो क्लियर हो जाएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे पता करेंगे, उसकी डायरेक्शन को हम लेफ्ट और राइट, व्हाट आई टोल्ड यू फॉर द राइट हैंड थंब रूल, कहीं भी जा रही हो करंट उसका राइट क्रॉस लेफ्ट डॉट. ठीक है तो अब करंट ऐसे जा रही है तो अंदर की तरफ इधर क्रॉस, इधर लेफ्ट साइड मतलब डॉट, इसकी वजह से डॉट आएगा, फिर इसकी वजह से भी डॉट आएगा, घूम जाओ इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड मीन्स डॉट और इसकी वजह से भी डॉट, मतलब इन सबकी वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो ऊपर की तरफ ऐसे बाहर आएगी. अब आपको पता है बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, ठीक, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा. अब मतलब अगर आपको एक का पता चल जाए तो अब बाकी को ऐड कर लो. तो अब क्योंकि ये स्क्वायर था तो ये वायर है, वायर से परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, मैं दिखा रही हूँ उसका पिक्चर यहाँ पे कैसे बन रहा है, आपको निकालना है वन इज थीटा वन एंड वन इज योर थीटा टू. सो दिस इज योर 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये आपका 45 है इन स्क्वायर, दिस इज योर 45, देन 90, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो 45 45, और ये हो गया आपका 90. ठीक है तो ये हो गया आपका 45, ये भी हो गया आपका 45. ठीक है ये भी आपको पता है परपेंडिकुलर है, सो दिस वाज 90 45, तो ये भी हो गया आपका 45. तो ये एंगल आपका 45 है, हमें ऊपर वाले से मतलब है, नीचे से भी मतलब नहीं है. ठीक है सो व्हाट इज योर थीटा वन हियर इज 45 डिग्री, व्हाट इज योर थीटा टू दैट इज आल्सो 45 डिग्री. अब आपको सारी चीजें क्लियर है कि आपको क्या लिखना था, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1. ठीक है तो डी क्या है, ये डी, ठीक, दिस इज योर डी, पिक्चर आप रिलेट कर लो आसानी से. तो डी यहां पे क्या है, हाफ ऑफ द स्क्वायर मींस हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, ए बाय टू ही हमें लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको कि म्यू नॉट थीटा वन इज योर इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये आपको, हाँ कीप रिमेम्बर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसमें हमें क्या ध्यान देना रहता है, व्हेन वी आर गोइंग इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ये मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं. तो ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है लेकिन इसके हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जिसको ये यहाँ पे जिसने मिस्टेक किया उसका गलत हो जाएगा. सो लेट मी यूज हाईलाइटर फॉर दिस पॉइंट. ओके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और क्या हो गया यहाँ पे थीटा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो साइन थीटा टू इज 45 डिग्री माइनस साइन माइनस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ से हटके यहाँ प्लस आ गया. अब ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन 45 डिग्री, 0 1 अपॉन 2 1 बाय रूट 2. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 2 अपॉन 1 बाय 2. तो कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है वेक्टर बी. तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने नई सीखी है
वो क्या है, वो है आपका थीटा वन का वैल्यू कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो वी आर टेकिंग इट एज नेगेटिव. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. पहले स्ट्रेट स्ट्रेट वायर की बात कर लेते हैं. इसमें हम लॉरेंस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट लॉरेंस फोर्स. इन दिस वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जो फोर्स भी फील होता है वो फोर्स कितना होगा, तो इसकी जो डेरिवेशन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, दैट वी विल रीड लेटर जब हम मैग्नेटिक मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, एट दैट टाइम वी विल रीड अबाउट दिस फोर्स. अभी हम इतना बात करते हैं कि आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज, इफ करंट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इफ देयर इज करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन वी एक्सपीरियंस वन टाइप ऑफ फोर्स, ओके, विच इज कैलकुलेटेड इज एज वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, वो हम इस तरीके से, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस एक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए लेट्स फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर. ओके,